याद है लोशन को सीखिए बहादुर रूप बताना चाह रहा हूँ। ये यूपीएससी का आपको बता रहा हूँ, पैटर्न बता रहा हूँ कि इसको पढ़ने का तरीका कैसे यूपीएससी को लोग पढ़ता है। सोचिएगा एक बार पढ़ेंगे भूलेंगे, जिंदगी में नहीं भूलेंगे, जिंदगी में नहीं भूलेंगे, उसको बता रहा हूँ। जय हिंद, आप सभी को डीप स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसआई मेंस का कैसे एक बार पढ़ेंगे, एक बार में क्रैक हो जाएगा, जो पढ़ेंगे भूल भी नहीं करेंगे, जो पढ़ेंगे जो लॉन्ग टाइम तक बहुत लंबे समय तक हमको याद रहेगा, या जो हम पढ़ लिए हैं वो दिमाग में डायरेक्ट फिट हो जाएगा, एकदम स्कैन हो जाएगा, कभी भूल भी नहीं करेंगे। या परीक्षा में जाएंगे और देखेंगे तो पूरा डायरेक्ट आंसर आएगा, किसका आंसर ये आएगा, पढ़ते के साथ आएगा, कोई डाउट नहीं होगा। यानी कंसेप्ट में कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट होता है ना, तब बहुत विद्यार्थी बोलते हैं कि हम कन्फ्यूज होते हैं, तो फ्यूज खत्म हो जाएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट बच जाएगा। उसके लिए आज बता रहे हैं, कोई नहीं ऐसे बताया होगा बहादुर, ये देखेंगे इतना इतना मजा आएगा आपको पढ़ने में, घर पर जब इसको फॉलो करेंगे इतना मजा आएगा, किताब पढ़ेंगे नहीं, दावा है किताब को पीना सीख जाएगा। चलिए हम आते हैं, सीखते हैं आप कैसे कैसे करना है जो। चलिए आपके पास किताब होगा, स्पीडी सब है, देखिए कैसे कैसे पढ़ना है, ये सब किताब आपके पास होना चाहिए, ये किताब सबके पास आपके पास होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, तो हम आते हैं। देखिए लूसेंट पढ़ने का तरीका समान अध्ययन, ये बस सुनिश्चित है कैसे पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे इसको आराम से पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक समान प्राप्त काल कितना है, तो 2500 से 1750 से पूर्व, यानी इसको पढ़ लेंगे, पढ़ते जाएंगे पढ़ेंगे। चलिए इसको पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता का समकालीन नहीं थी, तो क्रीट सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ विस्तार था, तो पंजाब राजस्थान गुजरात यहाँ जहाँ। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले, तो जितना ही पढ़ रहे हैं ना, जैसे हम पढ़ रहे हैं उसको हम लिखते जाएंगे, क्या करेंगे लिखते जाएंगे, फिर आगे पढ़ दिया। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिला, सुरकोटदा। सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगा में किस प्रदेश में पड़ता है, तो राजस्थान में। चलिए इस तरह से पढ़ते चल गए, करें वहाँ के मुद्रा कैसे बनाया, निर्माण होता था सेल खड़े से, ये पढ़ रहे हैं बहादुर, क्या करें हम किताब पर पढ़ रहे हैं, अंडरलाइन करके पढ़ रहे हैं, अंडरलाइन नहीं करेंगे तो जो जो क्वेश्चन थे मान लीजिए भूलने वाला क्वेश्चन, देखिए अंडरलाइन कर दिए। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिले, तो सुरकोटदा से। ये पढ़ रहे हैं, पढ़ते के साथ हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शन भी लिखते जा रहे हैं, ध्यान देंगे ऐसे में, देखिए अगर ऐसे आपको लिखना है क्या करना है, ये लिखना है, ये लिख दिए हम, तो कितना लिखे हैं 2500 BC से लेकर 1700 BC या 1750 BC कौन भी देता है। क्रीट की सभ्यता ये समकालीन नहीं, फिर लिखे सुरकोटदा से, फिर लिखे राजस्थान में, ये मेयर से पक्का लिखना है, मेयर से पक्का लिखना। तब आप किताब को ढक दिए, किताब को ढक दिए हम, बंद कर दिए, आप सोचेंगे 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा बीसी या 1700 BC क्या है, तो दिमाग में है क्या, अब हमारा माइंड कॉन्स्टेंट होना आती होगा, स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के मतलब कि बाहरी दिमाग में कोई बात नहीं है, सिर्फ ये होगा। अब इसको आप ही देख रहे होंगे, उधर हम पढ़े हैं, आपको दिमाग में कौन सी है 2500 BC से 1700 BC क्या है, तो दिमाग में आपको आएगा कि सिंधु घाटी का सिंधु घाटी सभ्यता के काल माना हो, सरमान काल है। फिर इसको देखिए क्रीट के सभ्यता का समकालीन तो क्या था भाई, दिमाग में जाएगा वो पॉइंट, एकदम कॉन्स्टेंट होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो क्रीट सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अब इसको देखते हैं सुरकोटदा से, सुरकोटदा खाली नहीं लिखेंगे, से पक्का लिखेंगे, सुरकोटदा से क्या है, अच्छा तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा का अवशेष मिला है, दिमाग में आ जाएगा, हम देखते जाएंगे इसको, देख इसको दिमाग में पढ़ेंगे, जब सेकंड बार करेंगे किताब बंद करेंगे इसको टीक मारते जाएंगे, मतलब इसको टीक मार रहे माइंड में चल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता काल है 2500 BC से 1700 BC, इसको क्रीट सभ्यता का समकालीन नहीं, दिमाग में क्या जा रहा है, दिमाग में ही जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्रीट सभ्यता का समकालीन नहीं थी। इस सुरकोटदा से देख रहे हैं दिमाग में क्या जा रहा है कि घोड़ा कब से यहाँ से मिला है, घोड़ा कब से राजस्थान में, तो क्या है कालीबंगा राजस्थान में, इसको पढ़ने का तरीका पहला समझ गए, अगला पढ़ते हैं सारा का सारा बता देते हैं। अब हम स्पीडी पढ़ेंगे कैसे कैसे पढ़ना है वो बता रहे हैं और सिखा रहे हैं, फिर बाद में लास्ट फाइनल बताएंगे किस तरह से आप अपना घर पे पढ़िएगा, ईजी हो जाएगा। आप इसको पढ़ेंगे, जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है, भारत का संविधान भारत के राज्यों का संघ वर्णित करता है, मछलियों के कृत्रिम विटामिन डी होता है, शुद्र रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, तुलू परियोजना झेलम के किनारे बसा, अभी पढ़ेंगे आराम से पढ़ेंगे, और जो क्वेश्चन आपको लगेगा कि हम भूलने वाले हैं, मान लीजिए शुद्र रह इसको अंडरलाइन कर देंगे, शुद्र रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, मसाला है, पान मसाला है, बहुत मजा देता है, क्या करें। चलिए अब इसको इसको जैसे पढ़ते भी जा रहे हैं, जनगणना संघ सूची के अंदर आता था, देखिए यहाँ पर लिखनी है जनगणना, लिखनी है पार्ट ले रहे हैं, पार्ट लिखेंगे जनगणना, फिर भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ रूप वर्णित करता है, क्या दिया राज्यों का संघ लिखेंगे, सब ऐसे लिखते जाएंगे, ये सब हम क्या करेंगे ऐसे लिखते जाएंगे। आप उसको किताब को बंद कर दिए, पार्ट पर लिखा गया, हमारा क्या लिखा गया पार्ट पर, मतलब एक इतना माइंड बढ़ जाएगा कि सोच ही नहीं सकते हैं, अब दिमाग में आएगा जनगणना खाली, उसको देखेंगे हमारे में क्या जनगणना पढ़ेंगे, हमारे में क्या सोचेंगे, अच्छा जनगणना संघ सूची के बीच है, इसको ठीक मार देंगे नहीं हमें याद आ गया, अच्छा राज्यों इसको इसको पढ़ेंगे राज्यों का संघ, लेकिन दिमाग में क्या चलेगा कि भारत राज्यों का संघ है, संविधान में भारत राज्यों का संघ का चला गया, ठीक दिमाग में ठीक मार देंगे यहाँ पे। फिर देखेंगे विटामिन डी क्या पढ़े थे, दिमाग में आएगा
विटामिन डी देख रहे हैं, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है कि मछली के यकृत तेल में विटामिन डी रहता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप दिमाग में पढ़ रहे हैं छूद्र रहा है, लेकिन माइंड में क्या चल रहा है कि छूद्र रहा मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। चलिए ठीक है, आगे देखा तुरुल पर भी जाता, तुरुल पर ना तो झेलम नदी के है, एकदम गारंटी याद होगा, पी देगा बहादुर। फिर किताब पढ़ेंगे नहीं, पीना सीख जाएंगे, थोड़ा दिन दिक्कत लगेगा माइंड, क्योंकि माइंड आपको समायोजन करना नहीं सीखा है, कॉन्सेंट्रेट होना नहीं सीखा है। आप पढ़ रहे हैं मन में, गाना भी सुन रहे हैं तो गाना नहीं सुनना है, पढ़ रहे हैं किताब पढ़ रहे हैं लेकिन दिमाग कुछ और चल रहा है, इसी में नहीं चलेगा। माइंड फुल्ली कॉन्सेंट्रेट एक बिंदु पर हो जाएगा, जो माइंड कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा तो कहो कुछ भी कर सकता है। वो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। सेम है इसको, क्या है अब स्पीडी का, क्या है ऑब्जेक्टिव पढ़ना भी जरूरी है, सब्जेक्टिव पढ़ना ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। तो इसको सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो क्या है, भारत राष्ट्रीय फूल क्या है तो कमल है, भारत में वित्तीय वर्ष किसे शुरू होता है तो 1 अप्रैल से। अपना मन से धीरे धीरे पढ़ेंगे, आपको ऊब के नहीं पढ़ना, आपको डूब के पढ़ना है, ऊब के नहीं डूब के पढ़ना। आप फास्ट बता रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा नहीं हो। सहारा मरुस्थल कहा है तो उत्तरी अफ्रीका में, अपना मन से पढ़िएगा। आप देखते हैं कि मान के आपको भूलने वाला है, ऋग्वेद में पुरंदर शक्तिशील प्रयोग हुआ है तो हिंदी के लिए, मान लीजिए चैप्टर लग रहा है कि लग रहा है कि हार्ड आपको लग रहा है, हम भूल जाएंगे तो इसको अनलाइन कर दीजिएगा। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में, ये हमारा ये हो जाएगा आंसर। ये पढ़ते जा रहे हैं, आराम से पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन नीचे क्या कर रहे हैं, क्या है गरसोपा जलप्रपात कहाँ है तो शराब्ती नदी पर, लेकिन हम पढ़ नहीं रहे बहादुर, पढ़ते के साथ पॉइंट पे लिखते हुए जा रहे हैं। मेन मेन इसका ऑप्शन को क्या करें, ऑप्शन में खाली लिखे जा रहे हैं, क्या करें खाली ऑप्शन को लिखे हैं, ऑप्शन से फिर क्या बनाएंगे हम, क्वेश्चन बनाएंगे या क्या बनाएंगे, वन लाइनर हम इसको बनाएंगे। अब मैं वहां देख रहे हैं कमल, पढ़ रहे हैं कमल, लेकिन माइंड में क्या चल रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है, कमल। इसको कमल देखेंगे, इसको टिक मार देंगे, माइंड में चलता रहेगा बात। 1 अप्रैल तो भारत के वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल शुरू होता है। उत्तरी अफ्रीका, ये उत्तरी अफ्रीका खाली नहीं लिखे, उत्तरी अफ्रीका मे लिखिएगा, ताकि उत्तरी अफ्रीका मे तो क्या है, मे भाई उत्तरी अफ्रीका में क्या है, दिमाग में एक जाएगा तो उत्तरी में क्या है, तो सहारा मरुस्थल कहाँ, उत्तरी अफ्रीका में। आप पढ़ रहे हैं दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में भी, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में क्या है, क्या है भाई, तो कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। चलिए आप देखते हैं शरावती नदी पर, शरावती नदी का अगर सोपा जलप्रपात था, सीधे मार देंगे दिमाग में, ये चलेगा हमारा माइंड में, समझ गए, ऐसे पढ़ना है। आगे बता चलते हैं, अब हमारा क्या है, स्पीडी का साइंस है, स्पीडी का क्या है, ये समान अध्ययन पहले था, ये साइंस है। फास्ट पढ़ते जाएंगे, मनुष्य के जीवन काल में कितने, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकालते हैं तो 20 दांत। अच्छा पढ़ते जाएंगे आराम से पढ़िएगा, हम फास्ट पढ़ रहे हैं। मानव शरीर पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है तो छोटी आंत में। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदलता है तो एमिनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है तो माल्टोज है। पीत का निर्माण क्या है, ये पीत कहाँ पैदा होता है, पीत पैदा कौन करता है, यकृत करता है। जमा कहाँ होता था, पिता से। अभी पढ़ लिए, अब पढ़ते आराम से पढ़ते भी जा रहे हैं, पॉइंट पर क्या करते हैं, पॉइंट पर ऐसे हम लिखते भी जा रहे थे। आप खाली लिख दिए 20 दांत छोटी आंत एमिनो अम्ल में, तो एमिनो अम्ल नहीं लिखे, एमिनो अम्ल में लिखे हैं हमें, यकृत नहीं लिखे, यकृत द्वारा लिखे हैं, पिताशय नहीं लिखे, पिताशय में लिखे हैं, क्योंकि मे से ही सब लिखेंगे ना तो आपको सोचने पर दिमाग सोचेगा ऐसे पिताशय क्या, कुछ नहीं, पिताशय में तो मेन है कि लिंक जुड़ जाएगा, कहां से क्वेश्चन पढ़े उसे लिंक जुड़ेगा ऑप्शन से। तो 20 दांत हम पढ़ रहे हैं 20 दांत, लेकिन माइंड में क्या चाह रहा है कि मनुष्य का 20 दांत है जो जीवन काल में 2 बार उगता है, टूटला के बाद उग जाता है 20 दांत। चलिए दिमाग में आ गया, आप पढ़ रहे हैं छोटी आंत, दिमाग में क्या चल रहा है कि भोजन हम खाते हैं तो भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है, वही पढ़े थे छोटी आंत में। आप पढ़ा है एमिनो अम्ल में, आप दिमाग में आ रहा है कि एमिनो अम्ल क्या, तो जब भोजन खाते हैं तो प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है, एमिनो अम्ल में। दिमाग में पढ़ेंगे इसको, माइंड में वो चलेगा, ठीक मार देंगे, पॉइंट में लिखे ठीक मार चलेंगे, यकृत द्वारा क्या क्या हम पढ़े थे भाई, मालिक भूल गया, देखो लड़के देख नहीं सकते हैं, यकृत द्वारा क्या था तो पीत का उत्पादन कौन करता है, यकृत करता है। अच्छा पिताशय में क्या होता है तो पीत यकृत पैदा करता है पीत को, जमा होता है पीत कहाँ जमा होता है, पिताशय में जमा होता है, ये हमको याद हो गया। ऐसे करके देखिए गारंटी खाते हैं, आपको 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर एहसास हो जाएगा कि परमात्मा इसमें कितना शक्ति भरा, कितना पावर है, तो दिव्य ऊर्जा आप में भरा हुआ है, जाग जाएगा, एहसास होगा कि नहीं, पढ़ेंगे नहीं किताब को पिएंगे, 3 महीने के अंदर पूरा, 4 महीने के अंदर पूरा मार्ग ने किताब पी जाइएगा, इतना क्षमता आ जाएगा, रियली बोलते हैं आपको। हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, बड़ा भाई मान के एक बार खाली इसको फॉलो कर देखिए, हार्ड लगेगा, सूर्य उगर रहेगा पूरा में, चला जाएगा पश्चिम में, पता नहीं चलेगा समय कैसे बीत गया, कॉन्सेंट होकर पढ़ेंगे ना, ऐसे करके आपके पास समय नहीं मिलेगा, आपको बाथरूम जाने की इच्छा रहेगा लेकिन नहीं, आपको याद नहीं, मच्छर काट लेगा फिर पता नहीं चलेगा मच्छर काट रहा है, क्यों, क्योंकि माइंड एक बिंदु पर कॉन्सेंट हो जाता है। पढ़े ना योगी महर्षि, तपस्या करते करते पूरा शरीर पे घास पात को पता नहीं चल रहा था, कॉन्स्टेंट इतना माइंड होता था, यहाँ भी आपको इस तरह से माइंड कंट्रोल होगा, बाथरूम जाना याद नहीं रहेगा, खाना नहीं खाया याद नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि सिर्फ यहाँ दिमाग में रहेगा, क्योंकि माइंड है वो क्या, माइंड को सोचने का मौका देते हैं तब है जो उसको शरीर में क्या बीतर पता लगता है, हम सिर्फ इसमें सोच चिंतन कर रहे हैं, दूसरा से माइंड नहीं सोचेगा, पता नहीं चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं,
जल्दी चलते हैं, सेम बात इसी को सेम वैसा ही पढ़ना है। अभी क्या है, स्पीडी का साइंस है, सब्जेक्टिव टाइप के है, वो ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। तो कह रहा है मानव नेत्र पर प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे जल का भंडार है लगभग 2.7%। देखिए जो हार्ड है उसको रंग दिए, क्या करेंगे उसको ऐसे कर दिएगा याद होने के लिए, इसको मत रंगिएगा, इसको रंग दीजिएगा जहाँ चलेगा। दूध की शुद्धता मापी जाती है इलेक्ट्रोमीटर से, ध्वनि के शोरगुल को मापते हैं डेसिबल में, बायो कैसे मुक्ता होता है मीथेन होता है, माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, मधुमेह रोग होते हैं इंसुलिन की कमी से या अभाव से, स्कर्वी रोग विटामिन सी के। चलिए पढ़ते भी जा रहे हैं, पार्ट पे क्या कर रहे हैं हम, ऑप्शन लिखते भी जा रहे हैं, पढ़ते भी जा रहे हैं, पार्ट पे क्या रहे हैं ऑप्शन लिखते हैं, फिर वही बात सेम बात सब में सेम लागू होगा। सोचते जाएंगे वास्तविक उल्टा क्या था भाई, तो मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, खत्म हो गया। अच्छा लगभग 2.7 क्या पढ़े थे, तो जितना जल है ना पृथ्वी पर उसका 2.7 लगभग 2.7 मीठा जल है, सीधे बोल सकते मीठा जल लगभग 2.7। दिमाग में लैक्टोमीटर खाने लिखे लैक्टोमीटर से या मे जोड़ेंगे, पता इसमें से जो मे नहीं जोड़ेंगे, मे उसके अंदर रहेगा तो जोड़ेंगे, से मैंने उससे रहेगा, तो से क्या था लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता मापते हैं। अच्छा देसी वाले हम से नहीं करेंगे, देसी वाले में करेंगे, देसी वाले मापते हैं क्या, शोरगुल मापते हैं। अच्छा मीथेन क्या था, बायो कैंसर मुक्त क्या होता है, ये मीथेन होता है, जो भी करेंगे ये याद हो गया, आगे बढ़ते हैं, ऐसे करना है, आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम कैसे लूसेंट कैसे पढ़ेंगे, ऐसे चुटकी मुड़िया देगा लूसेंट को सीखिए, बाद रूप में बताना चाह रहा हूँ, ये यूपीएससी का आपको बता रहा हूँ, पैटर्न बता रहा हूँ कि इसको पढ़ने का तरीका कैसे, यूपीएससी को लोग पढ़ता है, सोचिएगा एक बार पढ़ेंगे भूलेंगे जिंदगी में नहीं भूलेंगे, जिंदगी में नहीं भूलेंगे, उसको बता रहा हूँ, इसको आराम से देखिए सब अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन जान बुझे कर देंगे, आराम से अंडरलाइन करके पढ़ रहे हैं। उत्तर में ऐसे पढ़ेंगे, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह महाद्वीप भारतवर्ष, यहाँ अंडरलाइन कर दिए, किसको खाली भारतवर्ष को अंडरलाइन किया, भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश कहा गया, यहाँ के निवासियों को भारतीय तथा यहाँ की संतान या भरत की संतान कहा गया। अच्छा यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से कहा है। चलिए इतना पढ़ लिए, ऐसे ही पढ़ते जाइएगा, अब हम सोचेंगे उसको पढ़ लिए हैं, अब रटना नहीं है सोचना है। अच्छा क्या है, उत्तर में क्या था हिमालय, अच्छा दक्षिण में क्या है समुद्र, इसके बीच में जो फैला प्रदेश है क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। अच्छा तो भारत यहाँ के लोगों को क्या कहते हैं, तो भारत का संतान कहते हैं या भारत का देश कहते हैं, जो भी कहते हैं। अच्छा पुरानों महाकाव्यों में इस प्रदेश को, बीच वाला प्रदेश को क्या कहा गया है, तो भारतवर्ष कहा गया, यहाँ के लोगों को क्या कहा गया, भारत का संतान कहा गया, अथवा यहाँ के लोगों को भारतीय कहा गया है, भारतीय भी कहा गया, भारत का संतान भी कहा गया उसका। अच्छा तो ठीक है, इसको हिंदुस्तान नाम कैसे पढ़ा है, तो मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने यहाँ के लोगों को हिंद अथवा हिंदुस्तान नाम दिया इस प्रदेश को। अच्छा इंडिया कैसे नाम पढ़ा है, पता लगे यूनानियों ने इसको क्या नाम दिया है, इंडिया नाम दिया। ऐसे करके पढ़ेंगे क्या होगा, आराम से आप वैसे पढ़ते ऐसे आएंगे, वैसे पढ़ते आगे जा रहे हैं, फिर ऋग्वेद आ गया, तो ऋग्वेद पढ़ते चल जाएंगे। अच्छा ऋग्वेद में पढ़ते जाएंगे, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसके संकलन कौन करता कौन है, महर्षि की कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है, इसे तो ऋग्वेद में सबसे पुराना है, इसे पूरा सबसे पुराना किसका इसमें वर्णन मिलता है, आर्यों के प्रारंभिक जीवन का मिलता है। अच्छा तो प्रारंभिक जीवन आर्य पहले क्या करते थे, तो ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक नहीं ऋग्वैदिक, प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में क्या थे, तो क्या थे पशुपालक थे, पशु चराते यहाँ आया था। तो ऋग्वेद में कितना मंडल है, 10 मंडल है। अच्छा 10 मंडल है तो तीसरा मंडल रचना कौन किए थे, विश्वामित्र ने किया था। तो तीसरा मंडल क्या वर्णन है, ऐसे मन में चलता है, मन में सोचते रहे क्या वर्णन है, बोलेंगे मन में हम समझाने के लिए बता रहे हैं। और तीसरा मंडल क्या है, गायत्री मंत्र का वर्णन है, इसका रचना कौन किए थे, विश्वामित्र ने किए थे। अच्छा गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, सूर्य को समर्पित है, सावित्री को समर्पित है। अच्छा दूसरा से सातवां मंडल क्या बोलते हैं, अच्छा वंश मंडल बोलते हैं, कोई बात, तीसरा मंडल रचना तो समझिए। अच्छा तो आठवां मंडल में क्या है, आठवां मंडल जो हाथ से लिखा गया उसको ऋचा को क्या बोलते हैं, खील बोला जाता है। अच्छा ठीक है, अच्छा ऋग्वेद किसको कहते हैं, ऋचाओं के क्रमबद्ध संकलन को क्या बोलते हैं, ऋग्वेद हम कहेंगे। अच्छा ऋग्वेद में कितनी है, कितना सूक्त है, इतना स्लो के सारा कुछ इस तरह से पढ़ते जाएंगे, आपको आंसर याद होते चल जाएगा, समझ गए। तो कितना ऐसे नहीं बोलेंगे, मैं सोचते एक स्टेप को पकड़ लेंगे, पुच्ची को पकड़ लेंगे, नीचे पकड़े ऊपर चलने कैसे होता है, बाती को देखे ना तेल का नीचे रखते हैं लेकिन ऊपर पहुंच जाता है, मैं गारंटी कहता हूँ। ऐसे जब करेंगे आपको ऐसे पढ़ेंगे ऋग्वेद, सोच लिया ऋग्वेद, अच्छा ठीक उत्तर वैदिक काल है, अच्छा इसमें 10-28 सूक्त है, अच्छा ऋचाओं की संख्या इतना है, फलना है, ऐसे करके जोड़ते जोड़ते क्या होगा, आप जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लेंगे, वैदिक सभ्यता पढ़ लेंगे, थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, जब बौद्ध सभ्यता बौद्ध से आ जाएंगे, बुद्ध जैन धर्म आएंगे, यहाँ पहुंचते पहुंचते माइंड आपको इतना सोचने की क्षमता बढ़ जाएगा, जब किताब को पढ़ेंगे नहीं पिएंगे एक बार दूसरे याद हो जाएगा, तब दावा करते हैं। तो ये हम बता रहे हैं बिहार दरोगा का स्ट्रेटेजी है, ऐसे एक बार सिलेक्शन कर ले लेंगे। अगला है जो यह देखें, इसका पढ़ना जरूरी है, इसका पढ़ना अर्थव्यवस्था जरूरी है, किसका, इस किताब का,
ये किताब पक्का रखिएगा, चाहे बीपीएससी तैयारी कर रहे हो चाहे बिहार दोगा कर रहे हो, इसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखे। देख लीजिए इसको, देख इस किताब को देख लीजिएगा। देखिए इसे पूछा था कि ध्यान देंगे, यही क्वेश्चन को पूछा कि भारत की कुल जनसंख्या 2001 के अनुसार कितना था। देखिए दिया हुआ सब है, 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, सारा भी लिखा हुआ है, डिटेल है। 2001 के अनुसार कितना है, क्या है, 102 करोड़ 87 लाख 37 हजार 436, सारा कुछ लिखा हुआ है, ये पढ़ना जरूरी है। अच्छा जो आउट ऑफ कंट्रोल पूछता है, जो आउट ऑफ कंट्रोल कहाँ पूछता है, देखिए सब कुछ लड़ा दिए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। देखिए पूछा है आप लोग को, निम्नलिखित में से क्या पासवर्ड चुराने के अपराध के लिए एक समान नाम क्या है, क्या लिखे, स्पूफिंग, ये सारा कुछ मिल जाता है। तो आप करेंट के लिए जो आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा परीक्षा में, दावा करते हैं कि हम आपको नोट देंगे उसे बन जाएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी हम वीडियो डालते हैं करेंट से रिलेटेड पक्का पूरा देखिएगा, क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण, समान ज्ञान दर्पण, एक क्या बोलते हैं उसको, दृष्टि, 4-5 मैगजीन का पूरा निचोड़ परीक्षा पूछा हुआ है, पूरा इंडिया में जितना एग्जाम होता है सारा का सारा निचोड़ हम रखते हैं, अपने पास रखते हैं, वो सब काट काट के काट कर जो बिहार में पूछने वाला सबको हम डालते हैं डेली, तो जो डेली वीडियो जाएगा सीरीज में उसको पक्का देखिएगा, नहीं देखेंगे तो पछताइएगा, एकदम पक्का है। तो इस तरह से पढ़ना है, तो पहले सुबह उठेंगे तो बना लीजिए स्ट्रेटेजी, हम कैसे पढ़ना है, सुबह जीके पढ़ना है, तो सब किताब को लेकर चलना है, सब किताब को लेकर चलना है बहादुर। सुबह उठा जैसे ही स्पीडी पढ़ लिया, स्पीडी का समान अध्ययन, स्पीडी साइंस पढ़ लिया, अब जैसे ही उसको पढ़ने के बाद कोई बात, एक ही पढ़ना पढ़ना, एक एक पढ़ना पढ़ना है, 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पढ़ना है साइंस का, 100 क्वेश्चन पढ़ना है ऑब्जेक्टिव, किसी का पढ़ना है समान अध्ययन, स्पीडी का, 200 क्वेश्चन ऐसे पढ़ा दीजिएगा, जैसे बताओ इसी करना है, पक्का करना है। 100 क्वेश्चन किसको कर लेंगे, या तो एक अध्याय कर लेंगे, मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े, एक अध्याय किसका कर लिए, लूसेंट ऑब्जेक्टिव का, उसका एक अगला पार्ट भी ले लीजिएगा, जैसे क्या उठा लेंगे, जैसे मान लेते पॉलिटी उठा लीजिए, उसका एक अध्याय ले लीजिए, 2 अध्याय उसे कर लीजिएगा, यानी 100 क्वेश्चन लगभग दोनों मिलकर हो जाएगा, जैसे बताओ वैसे पढ़ना है। फिर क्या करना है, 4 किताब हो गया, 4 किताब हो गया, 5वां किताब है इसको, ये 50 क्वेश्चन पक्का, इसको 40 किताब पढ़ने का प्रयास करिएगा। ये कोई है जो करेंट का पत्रिका, एक रखिएगा जरूर, उसको डेली लीजिए, महीना में लीजिएगा, पढ़िएगा मन से, नहीं पढ़ पाते जो क्वेश्चन नहीं कवर होने वाला है, जैसे बहुत सारा रिपोर्ट है जो नहीं आपको मिलेगा, उपलब्ध आपके पास नहीं है, एक्स्ट्रा थॉट है, वो सब हमारा टेलीग्राम चैनल पे है, लिंक भी हम डाल देंगे, सन्नी मैथमेटिक्स की लिंक है टेलीग्राम चैनल, उस पर पक्का जुड़ जाइएगा, डेली कुछ ना कुछ डालते हैं परीक्षा के लिए, परीक्षा में आएगा क्वेश्चन तो आएगा, लिखा लीजिए हमसे। बहुत लोग हंस रहे हैं कि सर आप झूठो मूठो करते हैं, अगर नहीं आएगा तो हमको लाठी लेके हमको पीटने आ जाएंगे, इतना तक कह रहे हैं, रियली बोलते हैं बात, लेकिन डेली वीडियो फॉलो कर रहे, देखिए नहीं लाभ मिला तो फिर बता दीजिएगा, हर क्वेश्चन को आपको दिमाग में टच रहेगा कि क्वेश्चन पढ़े हुए, हर चीज वहां मारिएगा, जैसे बताएं उसे पढ़ के देखिए, कभी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगा, एकदम दावा है। बहुत लोग हम पे कमेंट कर रहे हैं कि सर आप झूठ बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, बोलने दीजिए कोई बात नहीं है, आप जुड़ कर देखिए, जब साबित हो जाएगा सबका मुंह बंद हो जाएगा। नया साल आ रहा है, नया उमंग लेकर आ रहा है, आपको नई ऊंचाइयां छू जाना है, 2022 में आपको बढ़ जाना है, चाहते हैं कि अगर माँ बाप के सपनों को साकार करें, अपने लक्ष्य को पाएं, एक बार दिल से जुड़ के देख लीजिए, मैं गलती नहीं बोलता हूँ बहादुर, फौजी आदमी गलती नहीं बोलता है, नहीं आपको लक्ष्य तक पहुंचा दिया, सफलता का शिखर तक नहीं पहुंचा दिया तो फिर बता, लेकिन डेली वीडियो मेरा फॉलो करना है, टेलीग्राम पर जो डालते हैं उसको पढ़िएगा, वन रिपोर्ट है, फलना रिपोर्ट है, कृषि रिपोर्ट है, खनिज रिपोर्ट है, बहुत उसमें डालते रहते हैं, ज्यादा नहीं, 100 क्वेश्चन के आसपास उसमें डालते हैं, लेकिन वही एग्जाम में रहेगा, जो आपसे नहीं बनेगा लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल है, आउट ऑफ सिलेबस है, उसको चुटकी में आप भुलाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पक्का ध्यान रखिएगा, जय हिंद जय भारत।